सारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते दिन शहर के पेट्रोल पंप से 8,30,000 रुपये लूट मामले का उद्भेदन किया गया है। वहीं शहर के दर्जन भर लूट कांडों का भी उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है। इस दौरान पुलिस ने पेट्रोल पंप से लूटे गए 7,80,000 रुपये भी बरामद किए हैं। वहीं दो अपराधियों को 2 पिस्टल एवं 4 गुजिंदा गोली के साथ बरामद किया गया है। घटनाएं हुई थी और हम लोग इसके लिए लगातार SIT बना करके कार्रवाई कर रहे थे और बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हो गया था, परंतु अपराधी पकड़ा नहीं रहे थे। इसी क्रम में 2 अपराधी को 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ पकड़ा गया और उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि ये लोग लगभग 1.5 दर्जन लूट के कांड और चोरी के कांड में फरार थे और लगातार एक ग्रुप बना करके, गिरोह बना करके कई थाना क्षेत्र में इनका लंबा आपराधिक क्षेत्र है, जो कि दौदपुर माही से लेकर के गरखा और भेल्दी तक ये विस्तारित है। इस क्रम में हम लोगों को लूटी गई मोटरसाइकिल 2 बरामद हुआ, सोने का चेन इन्होंने लूटा था वो 2 बरामद हुआ, मोबाइल 7 और नगद राशि 10,000 रुपया। इसके अलावे अभी परसों ही पेट्रोल पंप जो मुफस्सिल थाना अंतर्गत निवाजी टोला में है, शिवम पेट्रोलियम, उससे भी जो है 8,30,000 रुपये लूटने की बात सामने आई थी। तो इसका भी सफल उद्भेदन करते हुए 7,80,000 रुपया जो है 12 घंटे के अंदर ही रिकवर कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में और भी लोग शामिल हैं, और भी अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान हो गई है, उस पर भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। अभी जो हम लोग पास बरामद हुआ है उसमें मोटरसाइकिल जो बरामद हुआ है वो गरखा और मुफस्सिल के लूट कांड का है, चेन जो बरामद हुआ है वो दादपुर और माझी के कांडों का है। इसके अलावे गरखा का एक अलग लूट कांड था जिसमें 10,000 रुपया लूटा गया था, वो बरामद कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के कई जो है कांडों का उद्भेदन हुआ है और कुल बरामदगी आप देखें तो 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल 2, लूटी गई मोबाइल 7, लूटी गई सोने का चेन 2, नगद राशि जो है एक दूसरे कांड का वो 10,000 रुपया और शिवम पेट्रोल पंप से लूटी गई राशि 7,80,000 रुपया बरामद किया गया। इस कार्य को करने में हमारी पूरी टीम जो है SIT लगी हुई थी, जिसमें कि जिसके अतिरिक्त जो है थाना अध्यक्ष मुफस्सिल और अपर थाना अध्यक्ष मुफस्सिल विकास कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष मुफस्सिल गजेंद्र प्रसाद, रामसेवक रावत थाना अध्यक्ष गरखा एवं PSI भी लोगों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो पूरी टीम जो है बधाई के पात्र हैं और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इस उद्भेदन से कई कांडों का खुलासा हो गया है, आगे भी इसमें छापेमारी की जाएगी। इन दोनों का नाम है, एक का नाम है विजय कुमार राय जो कि पेसर है विनोद राय, ये पिता का नाम है अमरेश पाठक, मासूमगंज थाना भगवान बाजार का, और इनके कई साथी और भी हैं। इन पर आपराधिक घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कि 8 अब तक प्राप्त आपराधिक इतिहास में गरखा, मुफस्सिल, माझी, दौलपुर, भेल्दी आदि थाना क्षेत्रों के 8 कांड अभी तक प्राप्त हुए। पेट्रोल पंप वाले में यही दोनों थे? नहीं, पेट्रोल पंप में 2 अलग थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है, उनको चिन्हित कर लिया। पैसे किनके पास से बरामद हुए? पैसे बरामद हुए हैं उनके ठिकानों से, जो हम लोगों को सूत्र मिला था उसके हिसाब से। सर, एक दरियापुर में दरियापुर में एक लाश मिला है।